हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं तीसरे हफ्ते के पहले 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। टोटल तीसरे हफ्ते के क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो हैं 180, लेकिन 90 लगभग इस वीडियो में और 90 अगले वीडियो में। तो तीसरे हफ्ते का वीडियो दो भागों में आएगा, ये है भाग एक। अगर आप SSC, CGL, CHSL, बैंक PO या क्लर्क या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इनको अवेल कर सकते हैं या दिए हुए 3 नंबर्स में से कोई भी एक डायल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा बैंक है जो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना जिसने आधार एनरोलमेंट और अपडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, और इस तरह का इनका जो पहला सेंटर है वो बना है चेन्नई में, जो तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई में अभी अभी कजाकिस्तान एक देश है जहां पे जहां की राजधानी अस्ताना है, और कजाकिस्तान में एक और मुख्य शहर है अल्माटी। तो कजाकिस्तान ने अपने भारत के साथ 25 साल डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट करे हैं, राजनीतिक संबंध कंप्लीट करे हैं, इसलिए चेन्नई में उन्होंने अपना कॉन्सुलेट ऑफिस खोला है। चेन्नई वही शहर है। तो ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है करूर व्यास्या बैंक। करूर व्यास्या बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? करूर में। और करूर कहां है? तमिलनाडु में। और एक बात और, करूर व्यास्या बैंक के चेयरमैन है मिस्टर वी स्वामीनाथन। चलिए, इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी चाइना के साथ, चीन के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में 3 अनुबंध किए हैं? ये देश है नेपाल। जब हम बात कर रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के अंदर हैं, शेर बहादुर देओबा। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं, इनके इतिहास में पहली महिला प्रेसिडेंट, वो है विद्या देवी भंडारी, और राजधानी है काठमांडू। काठमांडू जो है ये सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इनमें से ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? जो दुनिया का पहला ऑर्गन डोनेशन हुआ था वो हुआ था 1954 में, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था और डोनेशन के तहत 13 अगस्त को मनाते हैं ऑर्गन डोनेशन डे। एक बात याद रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जनेवा में। ये UN की एजेंसी है, जो कि बात हो रही है हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे। और WHO के जो इस वक्त हेड हैं वो हैं मिस्टर टेड्रोस अधानोम। अगर पूछ लें कि भाई टेड्रोस अधानोम कहाँ के हैं, तो ये इथोपिया के हैं, इथोपिया जिसकी राजधानी है एडिस अबाबा। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री है। डॉक्टर भक्ति यादव, इन्हें इसी साल पद्मश्री मिला था। ये पहली डॉक्टर कौन से राज्य की थी? ये पहली MBBS डॉक्टर थी मध्य प्रदेश की, और 50 साल से ज्यादा गरीबों का इन्होंने फ्री इलाज किया। हमारी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, एक नई पॉलिसी बनाई है। किस चीज से रिलेटेड नई पॉलिसी बनाई गई है? ये पॉलिसी बनाई गई है मेट्रो रेल से रिलेटेड। मेट्रो याद रखिए, जो लखनऊ मेट्रो है ये भारत का पहला मेट्रो बना जिसने अपना FM शुरू कराया, खुद का FM स्टेशन। और जो दिल्ली मेट्रो है ये है भारत का पहला ग्रीन मेट्रो, DMRC। मेट्रो किसके अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? जी नहीं, मेट्रो आता है अर्बन डेवलपमेंट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और हमारे अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट दोनों के लिए मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई है? क्योंकि ये K5D6 फील्ड जो हैं, ये जो कुएं हैं गैस के, इनसे उचित मात्रा में गैस नहीं निकाल रहे थे, इस वजह से सरकार को घाटा हुआ। सरकार ने इन पे पेनल्टी लगाई है $264 मिलियन की, $264 मिलियon, लगभग 1500 करोड़ रुपए की। और हमारे तेल और गैस के लिए मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। सोहेल महमूद, ये कौन से देश के उच्चायुक्त बने भारत के अंदर? इससे पहले थे अब्दुल बासित का कार्यकाल पूरा हो गया और अब बने हैं सोहेल महमूद। ये हैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भारत में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक ऐसा ब्लड टेस्ट बनाया है जिससे वो कैंसर संबंधी DNA को पहचान सकते हैं, जिससे कैंसर डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी और हो सकता है आने वाले समय में हम लोगों को कैंसर से बचा सकें? ये रिसर्च करा है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। आंसर है United States of America। United States of America के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन हैं। इनकी पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप और इनकी बेटी जो भारत आने वाली हैं उनका नाम है इवांका ट्रंप। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने $500 मिलियन का लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से? एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सा है जापान का, फिर है अमेरिका का, फिर है चाइना का, और चौथे नंबर पे है भारत का। यानी भारत का चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा हिस्सा है। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है, और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो ड्यूटर्टे। जो ADB है, एक बात और याद रखिए, इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर ताकेहिको नकाओ, और ये जापान के हैं। इस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी PGCIL, पावर ग्रिड। भारत ने कितनी ग्रोथ दिखाई है पर्यटन में, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में, जुलाई 2017 में कंपेयर टू पिछला जुलाई 2016, उसके मुकाबले हमारी ग्रोथ हुई है 7.4%। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है प्रसाद। इसको चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने।
प्रसाद में टोटल 25 शहर हैं जिनका विकास किया जाएगा, जैसे अजमेर है। मतलब कहने का, जो भी हमारे ये 25 शहर हैं, ये सारे के सारे सांस्कृतिक और धार्मिक शहर हैं। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन इसका नाम है, प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक और स्कीम चलाई जिसका नाम है स्वदेश दर्शन, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है हृदय। हृदय हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने अभी अभी एक MOU साइन करा है स्वीडन के साथ। किस क्षेत्र में किया है? देखिए, स्वीडन के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्री है, काफ़ी अमीर देश है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, और जो MOU साइन हुआ है वो स्वीडन के साथ हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में, यानी IPR। एक्टर षणमुगसुंदरम, इनका निधन हो गया। ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से थे? ये थे तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। तमिल फिल्म इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? कॉलीवुड। कॉलीवुड। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, टॉलीवुड किसे बोलते हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए, टॉलीवुड। केंद्र सरकार ने कितना पैसा अलॉट करा है 5-year एक्शन प्रोग्राम के लिए? कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड क्या होता है? भारतीय तटरक्षक, जो हमारी तट की यानी कोस्ट लाइन को बचाता है, तटरेखा की रक्षा करता है। कोस्ट गार्ड जो है, हमारा जो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है वो गुजरात का है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का है। टोटल पैसा अलॉट किया गया है 31,748 करोड़ रुपए। छठा अध्याय, भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो मीटिंग हुई वो कहां पर हुआ? ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। तुर्कमेनिस्तान आप जानते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसकी राजधानी है असगाबट, और इसकी जो मुद्रा है वो है मनत। इनमें से कौन से क्रिकेटर हैं जो दूसरे भारतीय बैट्समैन बने और तीसरे पूरी दुनिया के बैट्समैन बने जिन्होंने 4,000 रन बनाए वनडे मैचेस में, रन चेज करते हुए, सक्सेसफुल रन चेज करते हुए? ये खिलाड़ी हैं विराट कोहली, और पहले भारतीय खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, और जो तीसरे खिलाड़ी बने, तो दुनिया में एक खिलाड़ी और है जो इनसे पहले कर चुके हैं, वो है रिकी पॉन्टिंग। इनमें से कौन सा त्यौहार है जो पुडुचेरी में अभी अभी मनाया गया? इस त्यौहार का नाम है फेट द पुडुचेरी। पुडुचेरी पहले फ्रांस के अधीन होता था, फ्रांस के अधीन, तो फेट द ये भाषा ही है, फ्रांसीसी भाषा। पुडुचेरी के गवर्नर हैं किरण बेदी और मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, कांग्रेस की सरकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक नोट निकाला है। कौन सा नोट निकाला है? 50 रुपए का नोट निकाला है। कलर कौन सा है? फ्लोरोसेंट ब्लू। और एक आज निकाला है जो 25 अगस्त से बनना शुरू होगा। आज 24 अगस्त है, 25 अगस्त से कौन सा नोट बनना स्टार्ट हो जाएगा? 200 रुपए का, और इसका कलर क्या होगा? ब्राइट येलो, जो डोसे का कलर होता है, डोसा ब्राइट येलो कलर होगा 200 रुपए का नोट। और मूर्ति किसकी है? जो पोर्ट्रेट है वो किसकी है? कौन सी मूर्ति की है? देखिए 50 रुपए के नोट पे ये है हम्पी, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटक के अंदर। कहते हैं हम्पी की गुफाओं में हनुमान भगवान का जन्म हुआ था। और जो 200 रुपए का नोट है इस पे है सांची स्तूप, जो स्तूप शहर है, जो सांची शहर है वहाँ पे स्तूप है, और ये मध्य प्रदेश से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है भोपाल से। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए, जो स्तूप होते हैं ये जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, बुद्ध धर्म उसके वो होते हैं, सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप। इनमें से किस व्यक्ति को टाटा मोटर का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है PB बालाजी। एक बात याद रखिए, टाटा मोटर के चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नटराजन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। और टाटा सन्स, जो पूरा टाटा एम्पायर है, उसके चेयरमैन कौन है? अगेन एन चंद्रशेखरन। इनमें से करूर व्यास्या बैंक, मैंने आपको बताया था करूर व्यास्या बैंक के चेयरमैन कौन है? बी स्वामीनाथन। परंतु मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं मिस्टर PR शशाद्री। और जैसा मैंने बताया, करूर का हेडक्वार्टर कहाँ है? करूर में। एक एग्रीमेंट अभी अभी साइन हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL के साथ और तेल की कंपनियों के बीच में। ये दोनों मिलके कौन सा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस है जो रिटेल आउटलेट पे बेचेंगे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के? क्या ये बल्ब बेचेंगे, ट्यूबलाइट या फैन? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, एक स्कीम चला रखी है जिसका नाम है उजाला। उजाला स्कीम में ये है कि जो पुराने बल्ब हैं, जो ज़्यादा बिजली खाते हैं, उनको LED बल्ब से रिप्लेस कर दो। कितने बल्ब रिप्लेस होंगे? 77 करोड़ बल्ब, ये टारगेट है केंद्र सरकार का, 77 करोड़ बल्ब रिप्लेस किए जाएंगे। तो बल्ब ही नहीं, ट्यूबलाइट, फैन, ये भी चेंज किए जाएंगे। पावर मंत्री कौन है हमारे? ये पीयूष गोयल। और ये हमारे तेल और ऊर्जा के मंत्री हैं, तेल और उसके ऑयल एंड गैस के, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। जो पीयूष गोयल है वो हमारे बिजली मंत्री भी हैं, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जैविक ऊर्जा मंत्री भी हैं, कोल मिनिस्टर भी हैं, माइनिंग मिनिस्टर भी हैं। कितने भारतीय मूल के लोग हैं जिन्हें फॉर्चून 2017 के 40 अंडर 40 में जगह मिली है, यानी 40 साल से कम उम्र के जो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं वो इसके अंदर हैं? कौन है नंबर वन? नंबर वन है फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? इमैनुअल मैक्रोन।
काफी कम उम्र के हैं, इनकी पार्टी का नाम है एन मार्श। इसमें और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसमें आयरिश प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वराडकर, और भारतीय मूल के और लोग कौन हैं इसमें, दिव्या नाग, ऋषि शाह, श्रद्धा अग्रवाल और लीला जना। तो टोटल है 5। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये कितने इलेक्ट्रिक सेडान गाड़ियां खरीदेगा, भारत के अंदर लेके आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा सके। क्या आप बिजली से चलने वाली किसी एक गाड़ी की कंपनी का नाम बता सकते हैं? टेस्ला। किसकी कंपनी है? एलोन मस्क। कितनी गाड़ियां खरीद रहा है? ESL 10,000 गाड़ियां, 10,000। रशिया के भारत में राजदूत कौन बने हैं? देखिए, जो पहले थे उनका निधन हो गया था और वो ड्यूटी पे थे, उनका क्या नाम था? अलेक्जेंडर कड़ाकिन। इनका लगभग 7 महीने पहले निधन हो गया था ऑन ड्यूटी, इसके बाद से सीट खाली पड़ी थी, अब इसको भरा है निकोले कुडाशेव ने। रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रशिया की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। इनमें से कौन सा तारा रूपी आकृति है जो धरती के बहुत पास से गुजरेगा एक सितंबर को? 4.5 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजरेगा सिर्फ, यानी लगभग 44 लाख मील की दूरी पे गुजरेगा। इसका नाम है फ्लोरेंस। देखिए, जो अर्थ है हमारा प्लेनेट अर्थ, उससे सबसे नजदीक कौन है? सन। सन के बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और फिर है अल्फा सेंचुरी। ये हैं धरती के 3 सबसे नजदीक तारे। अब ये फ्लोरेंस नाम का तारा गुजरेगा। एक बात और याद रखिए, इसको खोजा किसने? नासा ने किस चीज को यूज करके खोजा, ये भी पूछेंगे। नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है। और विश्व बैंक की CEO कौन है? कर्स्टिना जॉर्जिएवा। और प्रेसिडेंट कौन है? जिम योंग किम। दूसरी बात, नासा ने 2 मिशन चला रखे हैं। एक तो कसिनी चला रखा है शनि ग्रह के लिए यानी सैटर्न, और जूनो चला रखा है बृहस्पति ग्रह के लिए यानी जुपिटर के लिए। और नासा ने कौन सा टेलीस्कोप यूज करा इसे खोजने के लिए? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, SPITZER, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। तो ये सब तथ्य याद रखिए। केंद्र सरकार ने अभी अभी नॉन लैप्सेबल फंड बनाया है। किस चीज के लिए बनाया है? ये बनाया है एक तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और एक हायर एजुकेशन के लिए, यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए और उच्चतर शिक्षा के लिए। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है MUSK, मस्क, यानी कि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष। हमारे कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन HRD के अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर। तो आंसर हो गया 2 और 3। इनमें से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है संतोष शर्मा। केंद्र सरकार ने अभी अभी नाबार्ड को यह मंजूरी दे दी कि वो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज को रेज कर सकता है, क्योंकि AIBP यानी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चलाया जाएगा। कितने रुपए की लागत से? कहने का मतलब यह है, सिंचाई को मजबूत बनाने के लिए इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम नाबार्ड चलाएगा, उसके लिए कितना धन नाबार्ड अब लगा सकता है? नाबार्ड लगा सकता है 9,020 करोड़ रुपए। नाबार्ड जो है ये 1982 में बना था और नाबार्ड के चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भानवाला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अफ्रीका का देश है जिसने भगवान कृष्ण का एक चांदी का सिक्का लॉन्च करा है जन्माष्टमी के पावन अवसर पर? यह अफ्रीका का देश है छाड, CHAD, छाड। छाड की राजधानी बता सकते हैं? कोई नहीं बता पाएगा। इसकी राजधानी है N'Djamena, ये डी साइलेंट होता है, N'Djamena, और इसकी मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, CFA फ्रैंक, छैड। अफ्रीका में बस यही पूछा जाएगा आपसे, इजिप्ट की है केरो, और तंजानिया जो है यहां पे है माउंट किलिमंजारो, और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है। तंजानिया की राष्ट्रपति की जो कैपिटल है, क्या आप लिख के बता सकते हैं कमेंट्स में? यह है आपके लिए आज का दूसरा सवाल, तंजानिया की जो राजधानी है कमेंट्स में लिख के बताइए। स्टीफन वुलड्रिज, इनका निधन हो गया। ये कौन से खेल के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे? 2004 का ओलंपिक खेल याद होंगे आपको, कहां पे हुए थे? एथेंस में हुए थे। और दुनिया के सबसे पहले ओलंपिक खेल 1896 में वो भी एथेंस में हुए थे। तो एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस, यूनान की। इन्होंने जीता था साइकिलिंग में मेडल। कौन से देश के थे ये? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं मैलकॉम टर्नबुल। इनमें से कौन सी कैब एग्रीगेटर है जिसने एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल शुरू करा है, यानी B2B, ये करने वाली कंपनी है ऊबर। इन्होंने कई चीजें चला रखी है, ऊबर ईट्स चला रखी है, और ऊबर ईट्स में खाना वगैरह डिलीवर करते हैं ये।
दोपहिया के लिए चला रखी है, फोर व्हीलर के लिए चला रखी है, तो काफ़ी ये टफ कॉम्पिटिशन दे रही है ओला को। ओला के सीईओ कौन है? भावीश अग्रवाल। चलिए, इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्हें अभी अभी एक एजुकेशन सेल डिज़ाइन करा है यूनिवर्सिटी के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए? इसका नाम है रोबोविज। मैं रिपीट करता हूँ, रोबोविज। और इससे पहले इन्होंने हमारे देश का पहला रोबोट बनाया था जिसका नाम है ब्राबो। टाटा की कंपनी है ये। क्या नाम है इसका? ताल मैन्युफैक्चरिंग। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो भारत अब सबसे ज़्यादा निर्यात करेगा? अभी तक पिछले 3 सालों से हम बीफ करते थे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। बफेलो का जो मांस होता है, भैंस का मांस जिसे बीफ कहा जाता है, गाय के मांस और भैंस के मांस दोनों को बीफ कहा जाता है। अब ये रिप्लेस कर दिया है बासमती राइस से। अब हम जो बीफ है अब ये पीछे छूट गया है, अब बासमती राइस हम सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे और उसका एक्सपोर्ट करेंगे सबसे ज़्यादा, याद रखिए। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सिल्वर स्टीवी अवार्ड मिला है बेस्ट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द ईयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैटेगरी में? ये इसे मिला 14वें एनुअल इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड 2017 में। ये कंपनी है सी एस एस कॉरपोरेशन। और इस कंपनी के सीईओ कौन है? मनीष टंडन। नेस्ले जो है ये भारत में कौन सी कंपनी के साथ टाई अप कर रहा है? दोनों मिलकर बनाएंगे मैगी नूडल, लेकिन ये पौष्टिक होंगे, न्यूट्रिशियस रेंज बना रहा है मैगी नूडल की। ये कंपनी है अमेजॉन, अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं जेफ बेजोस। इनमें से कौन वैज्ञानिक है जिनके नाम पर, ध्यान से सुनिए, इनके नाम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पुरानी एक मक्खी है उसका नाम रख दिया है? इन्होंने एनवायरमेंट के लिए काफी कुछ किया है। इनका नाम है डेविड एटनबर्ग। सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री होता है जो दृष्टि को नापने संबंधी विज्ञान है उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्री। इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? यानी आंखों से संबंध है इसका। ये हुई तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के, और इनका नाम है चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तेलंगाना के गवर्नर है मिस्टर नरसिम्हा, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसने ये अनाउंस करा है कि हम नॉर्थ कोरिया से ना तो आयरन और खरीदेंगे, ना आयरन, ना लेड, ना कोल, कुछ नहीं खरीदेंगे, आयात बंद कर दिया है? ये देश है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में हेडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। चीन का एक और मुख्य शहर है जिसका नाम है शंघाई। शंघाई में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स बैंक का, जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट है केवी कामत। और चीन के प्रधान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली केक्यांग। लेकिन याद रखिए चीन में राष्ट्रपति ज़्यादा स्ट्रांग होता है। भारत ने अभी अभी कौन सा अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया? हमारा था ये 71वां स्वतंत्रता दिवस। और इस पे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 20 यूनिवर्सिटी को कहा है कि उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का बनाएंगे, उसके लिए कितना धन रखा है? 1000 करोड़ रुपए का धन। 2 दिवसीय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस अभी अभी हुई। ये है हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम है AK ज्योति। अब नसीम अहमद जईदी नहीं है, अब है AK ज्योति। तो ये कहाँ पे हुई? ये हुई नई दिल्ली में। भारतीय आर्मी ये बोइंग कंपनी द्वारा बनाए हुए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीद रही है। $655 मिलियन की लागत से ये खरीदेगी, लगभग 3500 करोड़। अब ये बताइए ये कितने खरीद रही है, कितने खरीद रही है? ये 6 खरीद रही है। किससे खरीद रही है? बोइंग कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। और बोइंग की मेन राइवल कौन है? एयरबस। और एयरबस कहाँ की कंपनी है? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट। डसॉल्ट से हम खरीद रहे हैं राफेल। राफेल क्या है? लड़ाकू जहाज। कितने खरीद रहे हैं? 36। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता वुमेन्स स्कीट एट द 7th एशियन चैंपियनशिप शॉटगन हेल्ड इन अस्ताना कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुए 7वें एशियाई चैंपियनशिप में शॉटगन में? ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शॉटगन, ये जो टूर्नामेंट है इसके अंदर स्कीट में पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर किसी भी टूर्नामेंट में। इनका नाम है महेश्वरी चौहान। कौन सी भारत की बच्ची है जो सबसे कम उम्र की बच्ची बनी जिसने माउंट स्टॉक कांगरी को चढ़ाई कर ली? स्टॉक कांगरी क्या है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है स्टॉक कांगरी। ट्रांस हिमालयस की बात हो रही है, हिमालय की नहीं, ट्रांस हिमालय की, लद्दाख रेंज, लेह लद्दाख। जो लेह है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है कच्छ के बाद। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो। इस बच्ची का क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। और स्टॉक कांगरी की ऊंचाई है 6153 मीटर। माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848 मीटर। इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है?
आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की होगी। इंद्र, इंद्र किसके साथ करते हैं हम? रशिया के साथ करते हैं। अमेरिका के साथ क्या करते हैं? युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। और फ्रांस के साथ कौन सी करते हैं? देखिए फ्रांस के साथ अलग अलग करते हैं, एक तो हम करते हैं गरुणा, एक करते हैं शक्ति। शक्ति अब आपके लिए आज का तीसरा सवाल, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजय वॉरियर, ए जे ई वाई ए, अजय वॉरियर, ये हम कौन से देश के साथ करते हैं कमेंट्स में लिख के बताओ। भारत का पहला रेलवे डिजास्टर मैनेजमेंट विलेज कहां बनाया जा रहा है? देखिए लगभग 356 एक्सीडेंट हो चुके हैं रेलवे के पिछले दो साल में, और जो सुरेश प्रभु हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भी दिया लेकिन प्रधानमंत्री ने मंजूर नहीं किया, तो रेलवे डिजास्टर मैनेजमेंट विलेज बनाया जा रहा है और इसमें रियल लाइफ में जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो मॉक किए जाएंगे, मॉक डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है, यानी अगर कोई ऐसी आपदा कल को आ जाती है तो हम कितने तैयार हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए बनाया जा रहा है बेंगलुरु के पास। अभी अभी साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा है, ये 100 ज्वालामुखी की चेन है, कहां पे खोजा है ये? अंटार्कटिका में। रिसर्चर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव शोन दैट दे कैन सक्सेसफुली ग्रो अ प्री टर्म लैम्ब विद इन आर्टिफिशियल वर्म, कौन सी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह खोज करी है कि एक मेमना एक लैम्ब आर्टिफिशियल तरीके से हम उसे ग्रो कर सकते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई वो एक तरह से बच्चेदानी के अंदर बड़ा होता है। ये रिसर्च करा है दो यूनिवर्सिटी ने मिलकर, टोहाकू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर है 1 and 4। एक सवाल यह भी पूछ सकते हैं जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन पूछा था ज्वालामुखी, ये कौन से यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने खोजा है? यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। देखिए एडिनबर्ग जो है ये स्कॉटलैंड की राजधानी है और स्कॉटलैंड कहाँ है? यूके में। चलिए अभी अभी दुनिया के 7वें वर्ल्ड ड्वार्फ गेम हुए, यानी जो छोटे कद के खिलाड़ी होते हैं उनके लिए खेल होते हैं, टोरंटो। टोरंटो कहाँ है? टोरंटो है कैनेडा में, कैनेडा की राजधानी है ओटावा और कैनेडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। कैनेडा में एक और इंपॉर्टेंट शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल हेडक्वार्टर है वाडा का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अभी जो 7वें वर्ल्ड ड्वार्फ गेम हुए भारत ने शानदार प्रदर्शन करा, 37 मेडल जीते हैं भारत ने, 37, 15 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल। अब इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको, दो खिलाड़ियों के नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एक खिलाड़ी तो ऐसा है जो 6 मेडल ले आया और एक है जो अकेला 5 मेडल ले आया, बस ये दो खिलाड़ी याद रखिए। एक का नाम है जोबी मैथ्यू, JOBBY, जोबी मैथ्यू ने जीते 6 मेडल, और दूसरा खिलाड़ी है अरुणाचलम नलिनी, ए नलिनी, इन्होंने जीते 5 मेडल। जो बोलोना, इनका निधन हो गया। ये कौन से फील्ड में थे? ये फिल्मों में थे, एक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे। सो आंसर है फिल्म्स। इनमें से कौन सा कंट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट लर्निंग सर्वे आयोजित कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए सर्वे सबसे बड़ा आयोजित कर रहा है? कब करेगा? 13 नवंबर को 30 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, 3री कक्षा के, 5वीं के और 8वीं कक्षा के। ये कंट्री है इंडिया। इनमें से कौन सा देश है जिसने टॉप करा मेडल टैली? IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप लंदन के अंदर हुई थी, इसको किसने टॉप करा है? सब जगह मेडल किसने जीते हैं? अमेरिका ने जीते हैं, कितने? 30। और ये जो मैस्कॉट है इसका वो है एक हेजहॉग, इसका नाम है हीरो। तो इन खेलों का जो मैस्कॉट है, शुभंकर है, उसका नाम है हीरो द हेजहॉग। और दूसरे नंबर पे मेडल जीते कीनिया ने, कीनिया जिसकी राजधानी नैरोबी है, इसने जीते 11। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 50 गांवों को गोद लिया है इनको अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तौर पर? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। SBI की चेयरमैन कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इसका नाम रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राम सेवा। इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल टावर, सोलर थर्मल टावर पावर प्लांट लगा रहा है? ये लगा रहा है कौन सा कंट्री? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और 2020 तक पूरा होएगा, 150 मेगावाट का ये बनेगा। इससे पहले कहां था? US में था, कैलिफोर्निया में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT का मिनिस्ट्री है, DT जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उन्होंने इंटरनेट कंपनीज को यह कहा है, जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबको, कि इस खेल से रिलेटेड सारे लिंक्स हटा दो। कौन सा खेल है ये? इसका नाम है ब्लू व्हेल खेल। ब्लू व्हेल खेल में 50 टास्क होते हैं और जो आखिरी टास्क होता है वो होता है सुसाइड करना। इस खेल को बनाया किसने है? 22 साल के बच्चे ने बनाया है, रशिया का बच्चा है, इसका नाम है फिलिप बुडेकिन। अर्थपोर्ट कंपनी ने अपना इंडिया के लिए नया हेड किसे बनाया है? इनका नाम है संदीप गुप्ता। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ याद कर लो। सरकार ने एक्सट्रीम वेदर से सरकार निपटती है, यानी बहुत ही खराब अगर मौसम हो जाता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, अभी आसाम में बाढ़ आई हुई है, गुजरात में बाढ़ आई हुई है, बहुत जगह बाढ़ आई हुई है। गुजरात में तो डेंगू से 250 लोग मर चुके हैं और आपको मीडिया ने दिखाया तक नहीं है। खैर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो होते हैं,
इनसे सरकार निपटती है। उसमें कितना धन साल को, साल का एक साल में सरकार को खर्च करना पड़ता है, $10 बिलियन, यानी कि 62,000 करोड़ हर साल। इनमें से कौन सी बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जो सेंसर बोर्ड की मेंबर बन गई हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन? याद रखिए, इसके पहले चेयरमैन कौन थे, प्रहलाद निहलानी, अब उनको हटा दिया और उनकी जगह बनाया है प्रसून जोशी को, इनका नाम है विद्या बलन। इनमें से कौन सी खिलाड़ी हैं जो दुनिया की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स में जिनका नाम आया है, दुनिया की, और याद रखिए जो 100 सबसे ज्यादा वेल पेड एथलीट है उनमें एक ही महिला है, इनका नाम है सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स। इनमें से किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है MS साहू? कौन है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नए? इनका नाम है ममता सूरी। कौन से राज्य की सरकार ने अनाउंस करा है कि गांधी जयंती पे छुट्टी नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटीज में? यह अनाउंस करा है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान जो है, यहां के जो गवर्नर हैं ये कल्याण सिंह हैं, जो पहले किसी टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, और यहां के अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। राजस्थान का एक फार्मूला बताता हूं आपको, शाहरुख खान SRK, एस से सरिस्का, आर से रणथंभौर और की से कियोलाडियो नेशनल पार्क, ये याद रखिए। और एक और है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये याद रखिए। महाराष्ट्र में है चंदोली नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क, चंदोली और तड़ोबा। एक और है कोयना, KOYNA, कोयना। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दो हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इनमें भी हैं। मणिपुर में कैसे याद रखें, देखिए मणि सबको चाहिए, यानी हर लोग को चाहिए, लोक मतलब लोग, तो यहाँ पे है लोकटक, मणिपुर में है लोकटक। मेघालय, मेघ मतलब होता है बादल, जहाँ बादल होते हैं वहाँ कोई काम होगा, नो, यानी यहाँ पे है नो क्रैक। और तीसरा है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, देखिए मिजोरम में राम है, राम का कोई दाम नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे है डंपा नेशनल पार्क, दाम, डंपा नेशनल पार्क। इस तरह से कुछ भी फार्मूले बना के याद रख सकते हैं। मैं तो खैर पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो गया, लेकिन आपको, आप इसके लिए काम कर सकते हैं, जब आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं वहाँ पे एक लिस्ट लगा लीजिए, रोज ब्रश करते करते उस लिस्ट की तरफ देखिए, आपको रोज देखते देखते याद हो जाएंगे 7 दिन के अंदर। 57वां टेक्टोनिक प्लेट कहाँ पे मिला है अभी? ये राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोजा है, ये मिला है मालपेलो में। मालपेलो, मालपेलो है कहाँ? इक्वाडोर के पास है। ये इक्वाडोर को इक्वाडोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, इसलिए इक्वेटर से बना इक्वाडोर। एस पॉल, ये निधन हो गया इनका, ये क्या थे मशहूर? ये थे फोटोग्राफर, बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी फोटोग्राफर थे। ये पहले फोटोग्राफर थे जिनको ब्रिटिश जर्नल ऑफ फोटोग्राफी ने प्रोफाइल किया था 1967 में, और ये पहले फोटोग्राफर थे जिन्होंने इंटरनेशनल फोटो कॉन्टेस्ट जीता था 1971 में। इनमें से कौन सा बैंक है? कुंभकोणम में हेडक्वार्टर है। इन्होंने इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है अपने नेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए। कुंभकोणम में हेडक्वार्टर किसका है? सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक। और कुंभकोणम में एक बहुत ही मशहूर गणितज्ञ, मैथमेटिशियन का जन्म हुआ था। क्या आप उनका नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? ये है आज का चौथा सवाल। भारत के, प्रोबेबली दुनिया के सबसे जो मशहूर मैथमेटिशियन रहे, उनका जन्म कुंभकोणम में हुआ था। कमेंट्स में लिख के बताओ किसकी बात कर रहा हूं। श्रीलंका की जो नेवी है उसके चीफ कौन बने हैं? भारत के तो सुनील लांबा है, श्रीलंका के कौन बने हैं? श्रीलंका के हैं ट्रेविस सिनिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, राष्ट्रपति हैं मैत्रीपेला सिरिसेना, राजधानी है श्री जयवर्धनपुरी कोटे। श्रीलंका में भारत एक बंदरगाह बना रहा है जिसका नाम है ट्रिनकोमाली, और चाइना बना रहा है उसका नाम है हम्पनटोटा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो कितना परसेंट रखने को कहा है एवरेज लीन सीजन में नदियों के अंदर? यानी इतना पानी रहना ही चाहिए, इतना पानी रहेगा तभी वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ की जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, वो बची रहेगी। ये पानी है 15 से 20%। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्या बैन करा है अभी अभी? मांजा। मांजा क्या होता है? पतंग उड़ाने के लिए जो काम आता है। कौन सा मांजा? जो ग्लास पाउडर से बना होता है या हैवी मेटल से बना होता है, वो मांजा बैन करा है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैन करा है जो चाय पीने के लिए हम टी बैग यूज करते हैं उसके अंदर स्टेपलर की पिन का इस्तेमाल नहीं होगा। मैन सिंगल किसने जीता? टेनिस की बात हो रही है, रॉजर्स कप किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़्वारेव ने जीता है। अलेक्जेंडर ज़्वारेव, इन्होंने रॉजर फेडरर को हराया। रॉजर फेडरर की पहली हार है 2017 में। रॉजर फेडरर ने इस साल विंबलडन भी जीत लिया। इन्होंने विंबलडन में हराया मारियो सिलिच को, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता जिसमें इन्होंने हराया रफाइल नडाल को, जो कहां के हैं? स्पेन के हैं। रफाइल नडाल ने इस बार जीता फ्रेंच ओपन, और इन्होंने फाइनल में हराया था किसको? स्टैन वावरिंका को, जो स्विट्जरलैंड के हैं। ये बताइए इनमें से कौन सी नाव है जो जीती 65वें नेहरू कप बोट रेस में? ये पुनमदा लेक में हुआ, अलप्पुझा, केरला की बात हो रही है। नाव की रेस होती है, इस नाव का नाम है गैब्रियल शुंडन।
मनी महेश यात्रा, ये कहां पे चल रही है अभी अभी? ये एक धार्मिक यात्रा है, मनी महेश यात्रा, ये चल रही है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह यहां के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहां के गवर्नर हैं। एक नई स्टडी हुई है, उसके हिसाब से कौन सा प्लेनेटरी सिस्टम है, कौन सा ग्रहों का समूह है जो हमारे सोलर सिस्टम से भी दुगने साइज का हो सकता है, इसका नाम है ट्रैपिस्ट प्रथम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सूरज है और 8 ग्रह हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये ट्रैपिस्ट 1 है जो हमारे इससे भी बड़ा हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इलेक्ट्रिक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को के साथ अनुबंध किया है। ये भारत में 2020 तक कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के अंदर, टोटल इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़। भारत के वीर, ये एक ट्विटर वॉल, लाइव ट्विटर वॉल लॉन्च करी इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर। किसने करी? ये करी राजनाथ सिंह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं होम अफेयर में, वो हैं हंसराज गंगरा माहिर और किरण रिजिजू। केंद्र सरकार एक GIS एनेबल्ड डेटाबेस बना रही है जमीन का, असिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को असिस्ट, उनकी हेल्प करने के लिए। ये डेटाबेस डेवलप कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPB, BISAG, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। आंसर है उपरोक्त सभी। SpaceX ये एलोन मस्क की कंपनी है और नासा, ये मिलके बना रहे हैं स्पेस बॉर्न कंप्यूटर और ये लॉन्च करेंगे इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये किसने बनाया है, कौन सी तकनीकी तौर पर कंपनी है जो बेस्ट कंपनी एकदम उसने बनाया है ये सुपर कंप्यूटर जो अंतरिक्ष में जाएगा? ये बनाया है HP ने, ह्यूलेट पैकर्ड ने। देखिए SpaceX का एक रॉकेट है जो एग्जाम में आता है, इसका नाम है फैल्कन 9। और नासा तो मैं बता चुका हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, नासा और इसरो ये मिलके एक सैटेलाइट बना रहे हैं, इसका नाम है निसार। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च करा है planyourgold.com नाम का प्लेटफॉर्म, planyourgold.com, ये करा है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी है salesforce.com, पिछले साल तक थी टेस्ला। इनमें से किस व्यक्ति को मिला है फिक्की द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा, 9th हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड में हेल्थ केयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर? ये डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर नंद कुमार जयराम। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डॉक्टर अरविंद लाल को। अमेरिका ने अभी अभी कौन से टेररिस्ट ग्रुप को काउंटर डेजिग्नेटेड ग्रुप लिस्ट करा है, और इस ग्रुप के सरगना सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर दिया है? यह ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन। इनमें से विशाल सिक्का ने रेजिग्नेशन दे दिया है, नारायण मूर्ति से लड़ाई हो गई थी इनकी इंफोसिस में, तो MD कौन बनाया नया, MD और CEO इंफोसिस का, इनका नाम है UB प्रवीण राव। और ये इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इंफोसिस में क्या हुआ है, नारायण मूर्ति ने किस तरह से विशाल सिक्का को दोषी ठहराया और फिर बोर्ड ने रिजाइन करा और वो सब पूरी कहानी बताऊंगा। केंद्र सरकार ने अभी अभी अप्रूव करा है, इनमें से एक कॉरपोरेशन है वो क्लोज हो जाएगा, ये कॉरपोरेशन इन्वॉल्व था डेवलपिंग और मैनेजिंग फॉरेस्ट्री प्लांटेशन में, तो कौन से राज्य का है ये? ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और यहाँ पे सैडल पीक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा साउथ बटन, ये सब जो नेशनल पार्क है सब अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और एक और है जिसका नाम है नारकोंदम। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने अभी अभी किस चीज पे प्राइस पे रोक लगा दी है, कैप लगा दी है, इससे ज्यादा आप इसका चार्ज नहीं कर सकते। ये है नी इम्प्लांट, घुटनों के बदलाव के लिए जो इम्प्लांट यूज होते थे उस पे अब कैप लगा दी है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसे 2 साल के लिए लगातार 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नबार्ड द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है? क्यों? क्योंकि इसने क्रेडिट लिंक ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप में अच्छा काम करा है, JLG में अच्छा काम करा है। ये बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और इस बैंक के चेयरमैन कौन है? S. रविंद्रन। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ मिलकर एक CEO फोरम बना रहा है जिससे दोनों देश आपस में व्यापार को बढ़ा सकें? इस देश के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर एनरिके पीनिया नियटो, ENRIQUE, एनरिके पीना, PENA नियटो, NIETO। ये देश है मैक्सिको, इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन दीपक कुमार के हिसाब से जो 371 नेशनल हाईवे हैं उन पे टोल प्लाजा जो हैं वो फास्टैग एनेबल कर दिए जाएंगे, कब तक? 1 अक्टूबर 2017 तक। हमारे मंत्री कौन है हाईवेज के लिए, रोड के लिए? नितिन गडकरी। कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी सोशल मीडिया में वेंचर किया है? सोशल मीडिया में इससे पहले नहीं था, अब इसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी ऑफिशियल पेजेस बना दिए हैं। ये बैंक है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? महाबलेश्वर, मिस्टर MS महाबलेश्वर। ये बैंक है कर्नाटका बैंक। रिलीजियस फ्रीडम बिल
और लैंड एक्विजिशन 2013 अमेंडमेंट बिल कौन से राज्य ने अभी अभी, कौन से राज्य की विधानसभा ने अभी अभी पास करा है? झारखंड की बात हो रही है यहाँ पे। झारखंड में एक इंपॉर्टेंट पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है। इनमें से कौन सी, किसने अप्रूवल दे दिया है? रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल मिल जाएंगे, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल मिल जाएंगे। तो ये किसने अप्रूव करा है? ये अप्रूव करा है एनसीएलटी ने। अब आपके लिए आप आज का सवाल, रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल मिलके जो कंपनी बनेगी उसका नाम क्या रखा जाएगा, ये बताइए। पांचवा सवाल काफी डिफिकल्ट सवाल है। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने TDRS-M सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की अर्थ से, धरती से कम्युनिकेशन में, संचार में मदद करेगी? यह किया है नासा ने, नासा, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी आधार किस चीज के लिए अनिवार्य कर दिया है, मतलब कौन से सब्सिडाइज लोन है जिसके लिए अनिवार्य करा है? ये लोन है फार्म लोन्स, फार्म लोन्स। हमारी जो टेक्सटाइल मंत्री हैं स्मृति ईरानी, ना सिर्फ टेक्सटाइल मंत्री अभी सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, इन्होंने अभी अभी एक गारमेंट यूनिट फैसिलिटी लॉन्च करी है, कौन से राज्य में? ये राज्य है झारखंड, रांची के निकट ये लॉन्च करी है। DONER के जो मंत्री हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। कहां पर ये बनेगा? ये बनेगा नई दिल्ली में और एक से दो साल में पूरा होगा, 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी भारत की पहली उड्डयन विभाग की ये यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट एविएशन यूनिवर्सिटी है। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं अशोक गजपति राजू। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, इसका इनॉग्रेशन कहाँ होगा? ये यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। अब अगर पूछें उत्तर प्रदेश में कहाँ, रायबरेली में। रायबरेली में कहाँ, फुर्सतगंज में। तो ये था भाग एक, बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थर्ड वीक के हैं। काफ़ी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है इस वीडियो में, और भाग दो कुछ ही घंटों में आप तक दोबारा लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।